Dear students, good morning. Today I am going to start chapter number 1 of class 5 EVS, whose title is Super Senses. And in this chapter में मैं कुछ questions जो book के होंगे और कुछ question ऐसे भी होंगे जो extra questions होंगे book से अलावा. तो चलिए discuss करते हैं questions को. पहला question है, how many senses are there in animals? कितनी senses होती हैं animals में? तो देखिए, basically there are 5 senses in animals, है ना? 5 senses होती हैं. कौन कौन सी? These are sense of see, मतलब देखने की, hear, सुनने की, taste करने की, smell करने की और feel करने की. Next question, how did the ant know that the other ants were not from its group? ठीक है, कि आंट को कैसे पता चला कि दूसरी जो आंट्स हैं वो उसके ग्रुप की नहीं हैं? ठीक है, तो देखिए, आंट्स और अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस. आंट्स और दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उनमें सब में डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी? दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील. अब यहाँ टेस्ट की नहीं बताई हमने, क्योंकि जो रिकॉग्नाइज करने की हैं कि एक आंट उसके ग्रुप की नहीं है, तो वो यही हैं. ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस, इन डिफरेंट सेंसेस की हेल्प से द आंट कुड नो, जो आंट है वो पता लगा सकती है दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि जो दूसरी आंट्स हैं उसके ग्रुप की नहीं हैं. ठीक है, तो इस तरीके से वो पता लगा सकती है. अब देखिए, हाउ कैन द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज द आंट फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि जो गार्ड है, जो गार्ड आंट है, वो कैसे पता लगाता है या पता लगाती है कि जो आंट आ रही है वो उसके ग्रुप की नहीं है. ठीक है, कैसे पता लगाता है? बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस, अपनी स्मेल करने की सेंस से द गार्ड आंट कैन रिकॉग्नाइज द आंट फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि जो अब उसके ग्रुप की आंट है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ड्रॉप सम सुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, कोई भी मीठी चीज़ ग्राउंड पर गिरा दीजिए. How long did it take for the ants to come? कितना टाइम ants ने लिया वहाँ तक आने में? ठीक है, ये आपको पता लगाना है. तो क्या होगा? Within few minutes the ants came there. ठीक है, थोड़ी ही मिनटों में वहाँ ants आ गई थी. मतलब हम ये एक्टिविटी करने के बाद ये आंसर लिखना है. ठीक है, आपको पता चलेगा कि थोड़ी देर में ही ants आ जाएंगी. अगर हम प्रेजेंट में लिखते हैं तो कम आएगा यहाँ पे, और हाउ लॉन्ग डू इट टेक आना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन इन्होंने पास्ट की पूछा है, ये बुक का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वन आंट कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर ऑन ए स्वीट थिंग, कहता कि क्या एक आंट पहले आती है या फिर सब जो ग्रुप है पूरा का पूरा वो मीठी चीज़ पर आ जाता है? क्या आंसर होगा? एक आंट आती है पहले, सबको पता है, ये एक्टिविटी करने के बाद आपको पता भी चला होगा कि वन आंट. और आपने घरों में देखा भी होगा कि कभी कभी जो कुछ गिर जाता है तो क्या होता है, वन आंट कम फर्स्ट, कि जो एक आंट है पहले आती है एंड देन ग्रुप ऑफ आंट्स फॉलो इट, और फिर उसके बाद जो ग्रुप है आंट्स का वो उसको फॉलो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द आंट्स डू विद द फूड, कि जो आंट्स हैं वो फूड के साथ क्या करती हैं, क्या करती हैं वो? दे कैरी, है ना, वे लेकर जाती हैं. ठीक है, द आंट्स कैरी द फूड टू देयर होल्स, कि जो आंट्स हैं वो अपने फूड को कैरी करके लेके जाती हैं अपने होल्स में. ठीक है, ये तो डेली आपने देखा भी होगा, कभी कभार कुछ गिर जाता है तो क्या करती हैं चिड़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दे मूव इन ए लाइन, क्या वो एक लाइन में मूव करती हैं? यस यस, दे मूव इन ए लाइन, वो एक लाइन में मूव करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स. ठीक है, हार्म नहीं करना आंट्स को, केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है. विदाउट हार्मिंग द आंट्स, ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए उनके रास्ते को ब्लॉक करना है. किसकी हेल्प से? विद ए पेंसिल, एक पेंसिल की हेल्प से. नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव, और ऑब्जर्व करना कि आंट्स कैसे मूव करती हैं. आंसर है, आंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, वो पेंसिल के ऊपर चढ़ जाएंगी. बट दे स्टिल मूव इन ए लाइन, लेकिन फिर भी वो एक लाइन में मूव करेंगी. ए के बीच में और लाइन के बीच में स्पेस देना है आपको. ये गलती से एक की अटैच हो गया है, बाई मिस्टेक ये मैंने जब टाइप किया तो हो गया, स्पेस नहीं आया इसमें, स्पेस दे देना बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू गैस और थिंक वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट वैन यू ब्लॉक देयर पाथ. कहता है कि गैस करो और सोचो कि जो आंट्स हैं वो कैसा बिहेव करती हैं जब उनके पाथ में बात को ब्लॉक कर दिया जाए, उनके रास्ते को रोक दिया जाए. ठीक है,
कैसा बिहेव करेंगी? एज द आंट्स मूव, जैसे आंट्स मूव करती हैं, दे लीव ए स्मेल, ठीक है, वो एक स्मेल छोड़ती हैं ग्राउंड पे. द अदर आंट्स फॉलो दिस स्मेल टू फाइंड दिस द वे, कि जो आंट हैं वो एक स्मेल छोड़ती हैं तो दूसरी आंट्स क्या करती हैं, उस स्मेल को फॉलो करती हैं. सो व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक्ड, इसलिए उनका पाथ जब ब्लॉक कर दिया गया था द आंट्स, तो आंट्स जो हैं अभी भी क्या है, क्या करेंगी, ट्राई टू कीप देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल. वो अपने पाथ को, मतलब अपने जो रास्ता फॉलो कर रही थी, मतलब एक लाइन में चल रही थी, उसी रास्ते को वो फॉलो करेंगी. किसके द्वारा? उस स्मेल को फॉलो करेंगी वो, ठीक है, उस स्मेल को फॉलो करने की द्वारा, उस स्मेल को फॉलो कर रही है, इसलिए पेंसिल अगर बीच में रख दी जाती तो भी वो उसी पाथ पर चलती रहती हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, क्या तुम्हें कभी मॉस्किटोज ने परेशान किया है? जस्ट थिंक, जरा सोचो, हाउ डू दे नो वेहर यू आर, ठीक है, वेहर यू आर, कि आप कहाँ हो. आंसर देखिए, मॉस्किटोज कैन सेंस, जो मॉस्किटोज हैं वो सेंस कर सकते हैं द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की स्मेल को, ठीक है. दे कैन ऑल्सो फाइंड अस, वो हमें किसके द्वारा भी प्राप्त, मतलब हमें ढूंढ सकते हैं, बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की हीट से, या फिर और स्मेल ऑफ आवर फिट, ठीक है. तो हमारी बॉडी की स्मेल से, या फिर हमारे पैरों की स्मेल से, या फिर जो हमारी बॉडी की गर्मी होती है उसकी हेल्प से वो पता लगा लेते हैं कि हम कहाँ हैं, और हमें काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू सीन ए डॉग स्नीफिंग हेयर एंड देयर, क्या कभी आपने डॉग को इधर उधर सूंघते हुए ऐसे देखा है, स्नीफ करते हुए ऐसे ऐसे सूंघता रहता वो, ठीक है. व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल, आप क्या सोचते हो कि क्या स्मेल करने की कोशिश कर रहा है, होता है वो. आंसर, येस आई हैव, देखो पहले तो ये पूछा था कि क्या आपने कभी देखा, तो उसका आंसर होगा येस आई हैव सीन ए डॉग स्नीफिंग हेयर एंड देयर, उसका आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप क्या सोचते हो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो देखो, द डॉग यूजुअली स्मेल्स टू फाइंड आउट, वो स्मेल करता है टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए कि इफ़ ए न्यू डॉग की कोई एक नया, मतलब जो उसके एरिया का डॉग नहीं है, वो कोई नया डॉग हैज़ कम इन हिज एरिया, कि उसके एरिया में तो नहीं आ गया है, बाई स्मेलिंग इट्स यूरिन और फिकस, ठीक है. फिकस क्या होता है, जो यूरिन तो सुसु को बोलते हैं, फिकस पोटी को बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स, कि जो स्पेशल सेंस है डॉग्स की, उसको कैसे, जो ह्यूमन बींग है, मतलब हम आदमी हैं जो, वो कैसे उस डॉग की स्पेशल सेंस का यूज़ करता है. तो देखिए, द स्पेशल सेंस ऑफ, जो स्पेशल सेंस होती है डॉग की, used by human beings in many ways, बहुत सारे तरीकों से human being उसको use करता है. Some of them are, कुछ इस तरह से कुछ examples ये हैं, for catching thieves or criminals, कि वो चोरों को और जो criminals होते हैं उनको पकड़ने के लिए dogs का use करता है. For finding stolen things, कोई चीज़ अगर चोरी हो गई है तो उसका पता लगाने के लिए वो use करता है dogs को, एक बार मतलब उस area के पास लेके जाता है जहाँ crime होता है, और फिर डॉग उसका पता लगाता है. नेक्स्ट है कि फॉर डिटेक्टिंग, क्या पता लगाने के लिए, जैसे बॉम्ब वगैरह हैं, अगर किसी ने बॉम्ब फिट कर रखा है तो भी डॉग्स को लेकर जाया जाता है पता लगाने के लिए कि कहाँ है बॉम्ब, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, कि तुम कैसे, जो तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल है उसको कैसे यूजफुल पाते हो, ठीक है. लिस्ट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स बताइए, मतलब जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है उसकी हेल्प से हम किन किन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, एक्चुअली भी हमें बताना है. तो देखिए, वी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ टेस्टी फूड, हम टेस्टी फूड की स्मेल को पता लगा सकते हैं. फ्लावर्स का पता लगा सकते हैं कि फ्लावर से स्मेल आ रही है, कौन सा फ्लावर है. परफ्यूम का, स्वीट, उसके बाद स्वीटी जो क्लोथ्स होते हैं, पसीने वाले जो कपड़े होते हैं उनसे स्मेल आती है, ठीक है. इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती है उसकी स्मेल हमें आ जाती है, ठीक है. गैस लीक हो रही हो इन द किचन तो भी हमें स्मेल आ जाती है, गैस लीक इन द किचन एटसेट्रा. इन एडिशन टू बैड फूड और ए बर्निंग ऑब्जेक्ट, कि कोई स्मेल, फूड में स्मेल होगी है, मतलब बैड फूड का मतलब स्मेल होगी है फूड में,
या फिर अगर कोई चीज़ जल रही है तो भी हमें स्मेल आ जाती है, ठीक है। इन चीज़ों के अलावा ये चीज़ें भी हमें पता लग जाती हैं, हम इनको रिकॉग्नाइज कर देते हैं उनकी स्मेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनकी स्मेल से बिना उनको देखे, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, डॉग को हम पहचान सकते हैं, ठीक है, डॉग, शिप, गोट, बफेलो, काओ, कैट्स, फिश एट्सेट्रा, ठीक है। ये इनके अलावा और भी एनिमल्स हो सकते हैं दैट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द स्मेल, ठीक है। इनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान सकते हैं उनकी स्मेल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ फाइव थिंग्स हू स्मेल यू फाइंड यू लाइक, ठीक है, यू लाइक एंड फाइव थिंग्स हू स्मेल यू डोंट लाइक। ऐसे पांच चीज़ों के नाम लिखने हैं, पहले जिनको तुम लाइक करते हो और कुछ पांच चीज़ों के नाम लिखने हैं जो जिनको तुम डिसलाइक करते हो या डोंट लाइक करते हो, ठीक है, यू डोंट लाइक। नेक्स्ट आंसर देखिए इसका, आई लाइक द स्मेल ऑफ पूरी, परफ्यूम, फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक, फ्रेश एयर और पिज़्ज़ा एट्सेट्रा। मतलब कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई भी पांच चीज़ों के नाम जो आप लाइक करते हो। पहले लाइक वाले लिखने हैं, ठीक है, अब है आई डोंट लाइक, ठीक है, आई डोंट लाइक वाले। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ किस किस की मुझे पसंद नहीं है, गटर, गार्बेज, डेड फिश, मरी फिश की, काउ डंग जो गाय का गोबर होता है उसकी, स्टैल एयर जो सड़ी हुई एयर होती है, मतलब सड़ी हुई कई बार गंदी बदबू आती है तो उसकी भी मतलब मुझे नहीं अच्छी स्मेल लगती। तो ये मैंने लिखे हैं, आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अपने जो चीज़ें आपको लाइक करते हो वो लाइक में लिखना और जिसको डिसलाइक करते हो वो डिसलाइक में लिखना, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतनी क्वेश्चन आंसर हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे। बाय।